हेलो फ्रेंड, आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कैंची में तेज धार लगाना। हार्पिक और चूड़ी के मदद से बहुत तेज कैंची में धार लग जाता है, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कपड़े को जो है कट कर रहे हैं, बिल्कुल कट नहीं हो रहा है, इसमें धार जो है खराब हो गया है, कपड़ा जो है बिल्कुल कट नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है धार लगाएंगे और घर पर फ्री में धार लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे घर पर धार लगेगा। तो हम जो है थोड़ा सा पानी लिए हैं, बर्तन धोने वाला ऐसा जो आता है इसको लेना है, और उसके बाद जो है कैंची में धार लगाना है। इसको जो है कैंची को क्या करना है, थोड़ा सा इस पर पानी ऐसे लगा लेना है, इधर भी। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा जंग है तो हम जंग को भी छुड़ा लेंगे और धार भी लगाएंगे। जैसे ही आप हार्पिक डालिएगा तो क्या होगा, इसमें का जितना गंदगी है निकलेगा। इसको भी पानी में ऐसे डिप कर लेना है, उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा रगड़ना है ऐसे। तो आप देख सकते हैं अपने आप जो है वाइट हो जा रहा है रगड़ने के बाद। आपको जो है इससे थोड़ा सा सफाई कर लेना है, और इधर भी आप देख सकते हैं कितना ब्लैक कलर है, इधर भी साफ हो जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा हाथ पे गिरा के पूरा कैंची का सफाई करेंगे, उसके बाद जो है धार लगाएंगे। इसमें का जितना जंग छोड़ने वाला था उतना जो है छोड़ा लिए हैं, आप देख सकते हैं, और इधर भी छूट गया है। इसको जो है पानी में धो लेंगे, और कैंची को जो है सूखा कपड़ा से आपको ऐसे पोंछ लेना है, इसमें का सारा पानी निकाल लेना है। पानी रहेगा तो फिर वापस मूर्छा लग जाएगा। तो कैंची का सारा पानी निकाल लिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो मशीन का तेल होता है इसको भी लगा लेना है। कैंची का धार खराब होने का मेन कारण है कैंची का मूर्छा। जैसे कि कैंची का मूर्छा लग जाता है तो क्या होता है, सारा धार जो है खराब हो जाता है। आपको जो है इसमें का मूर्छा छुड़ा लेना है, और उसके बाद जो है वापस धार लगा लेना है। बहुत अच्छा से लग जाएगा मार्केट जैसा। इसको जो है थोड़ा सा मशीन का तेल लगा के फिर से वापस हम इसको साफ कर लिए हैं। अब जो है आपको क्या लेना है, ऐसे चूड़ी लेना है, जो कांच का चूड़िया रहता है ऐसे लेना है, और आपको सीधा करके नहीं कट करना है, थोड़ा सा ऐसे कैंची को तिरछा करना है, उसके बाद जो है कट करना है, ऐसे ऐसे करना है। दो से तीन मिनट आपको जो है चूड़िया ऐसे कट करना है, इससे क्या होगा कैंची का धार जो है तेज हो जाएगा। इस तरह से करना है, उसके बाद क्या करना है, जो दवाई का खोखा रहता है इसको भी यूज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दवाई के खोखा को जो है क्या करना है, कट करना है, इससे भी धार तेज होता है। क्या होगा कैंची का धार जो है अपने आप तेज होगा। तो इसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कट करना है। आपके पास बड़ा दवाई का खोखा होगा, खाली खोखा होगा तो उसको भी कट कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको वापस कपड़ा आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा कैंची में धार लग गया है, कपड़ा भी अच्छा कट कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।